नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन के बीच चलने वाली करमभूमि सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और साथ साथ रेलवे न्यूज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, बात किया जाए करमभूमि सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। ट्रेन ऑपरेट करती है 12407/08 इन रिवर्स डायरेक्शन। ये ट्रेन पंजाब अमृतसर जो पड़ता है पंजाब में, वहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में, इसके बीच चलती है। ये एक सुपरफास्ट ट्रेन है जो कि नॉर्दर्न रेलवे जोन द्वारा देख रेख करी जाती है। ये ट्रेन वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है, मतलब वीक में एक दिन चलती है। इसके करीबन 17 स्टॉप्स हैं। ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1825 किलोमीटर का। इसको टाइम लगता है कवर करने में एवरेज 33 आवर 20 मिनट्स। ऑपरेटिंग स्पीड की बात करें तो 55 kmph मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है और 110 kmph मैक्सिमम है। कोचेस की बात करूं तो पहले इसमें ICF रेक्स के कोचेज यूज़ होते थे, बट अब इसके अंदर LHB रेक्स यूज़ होते हैं, जिसमें से 15 जनरल अनरिजर्व्ड कोचेज का यूज़ होता है। इसमें आपको रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सीधा यहाँ पे जनरल टिकट लेके आप इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिजर्व कोच है ही नहीं। और साथ साथ इसमें 2 EOG का यूज़ होता है। रूट से हॉल्ट की बात करें तो अमृतसर से निकल के जलंधर सिटी, लुधियाना जंक्शन, सहारनपुर, गोरखपुर जंक्शन, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर जंक्शन, खगड़िया, कटिहार जंक्शन होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पहुंचती है। लोकोमोटिव की बात करूं तो WDP-4B या WDP-4 का लोकोमोटिव यूज़ होता है अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी तक। टाइमिंग्स की बात करूं तो 12407 जो है न्यू जलपाईगुड़ी से हर वेनसडे को सुबह 8:15 पर निकलती है और अगले दिन शाम में 5:35 पर अमृतसर जंक्शन पहुंचती है। फिर 12408 जो है अमृतसर जंक्शन से हर फ्राइडे को 9:30 सुबह निकलती है और अगले दिन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन शाम में 6:35 पर पहुंचती है। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।